ये है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनका साइन बोर्ड तो टूट गया है लेकिन वाट महाथार यहाँ से एंट्री है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद पार्किंग, जिसके पास अपनी गाड़ी हो वो गाड़ी पार्क करके थोड़ा अंदर जाए तो टिकट ऑफिस है। थाई लोगों के लिए, यहाँ के जो लोकल है उनके लिए 10 बाट का टिकट है, और फॉरेनर्स के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए 50 बाट का टिकट है। लेकिन एक बार जाना बनता है, अगर अयोध्या आए तो एक बार आ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको अगर यहाँ आना है तो सुबह आएँ अर्ली, और बैंकॉक से यहाँ पे बहुत सारी बसेस चलती हैं, मिनी वैन्स चलते हैं, और मिनी वैन का स्टॉप यहीं कहीं पास में ही है। मतलब अगर बैंकॉक से आप आते हैं मिनी वैन से तो यहाँ उतरिए, और यहाँ मिनी वैन के स्टॉप से यहाँ पैदल आ सकते हैं, मैंने मैप में चेक किया था। ये है इस अयोध्या टेंपल का मॉडल। हम आ चुके हैं अयोध्या में, यहाँ का हिस्टोरिकल सिटी। टिकट लेते हैं और दिखाते हैं आपको क्या है यहाँ पे। ये ले लिया हमने टिकट, और ऐसा कुछ है यहाँ का हिस्टोरिकल सिटी। यहाँ पे ड्रोन उड़ाना मना है, डू नॉट यूज ड्रोन्स विदाउट परमिशन। अभी मैं जा रहा हूँ इंफॉर्मेशन सेंटर पे एक मैप लेने के लिए, तो ज़्यादा आसानी से समझ पाऊँगा मैं इस जगह को। मैप लेते हैं। ये रहा यहाँ का इंफॉर्मेशन सेंटर। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ मैप प्लीज? ये भाई साहब ने यहाँ का मैप दे दिया, थैंक यू। ये है यहाँ का मैप। एक्चुअली मुझे ये वाली जगह पे जानी थी, क्योंकि जब भी मैं थाईलैंड सर्च करता हूँ तो ये जगह, ये वाली फ़ोटो ज़रूर आती है, ये वाली। ये ढूंढना पड़ेगा मुझे ये कहाँ है, तो एक बार मैप में देखते हैं कुछ मिले, उसके बाद लेके चलता हूँ आपको। काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटो खींचने में लगे पड़े हैं। अयोध्या थाईलैंड की राजधानी थी, और ये राजधानी सन 1350 से लेकर 1767 तक, तब इस देश का नाम सियाम था। सियाम की राजधानी थी अयोध्या, और जब थाईलैंड बना तो इसकी राजधानी हो गई बैंकॉक। 20वीं सदी का बना हुआ मंदिर है, पढ़ा मैंने, लिखा था कहीं पे, जो अभी खंडहर बन चुका है। भगवान बुद्ध की सब खंडित मूर्तियां हैं, ये सब टूटे हुए। लेकिन काफ़ी सुंदर है, काफ़ी लोग भी हैं जो यहाँ पे घूमने आए हैं, फैमिली बच्चे। ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या है, मैं भी यहाँ पहली बार ही आया हूँ। थाईलैंड के बारे में आप सर्च करते होंगे गूगल पे तो अयोध्या ज़रूर दिखाता होगा। और यहाँ का ये एक फेमस घूमने की जगह है, एक दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं आप लोग अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो।
वैसे धूप बहुत तेज है, मैं अपनी कैप लेके आना भूल गया। ये देखिए कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं अपने लिए। ये सारी विखंडित मूर्तियां हैं भगवान बुद्ध की। Do not climb or sit on. थाईलैंड में ये काफी फेमस है, काफी हिस्टोरिकल प्लेस है अयोध्या का। अयोध्या काफी हिस्ट्री में अपनी पहचान रखता है थाईलैंड के हिस्ट्री में। काफ़ी शांत और अच्छी जगह है, अगर धूप नहीं होती तो आँख में कुछ गया, अगर धूप नहीं होती तो काफ़ी मज़ा आता, लेकिन धूप काफ़ी तेज है भाई। तो ऐसा कुछ है। अंदर तक है, काफी कुछ है। आपको दिखाने के बाद यहाँ बैठा हूँ यही पेड़ की छांव में। आगे देखते हैं कहाँ लेके जाता हूँ। मैप में कुछ जगह तो देखी है मैंने, एलिफेंट कैंप है यहीं कहीं, तो वहाँ सोच रहा हूँ आपको दिखा दूँ। जिनको हाथी की सवारी करनी अच्छी लगती है, वो अगर कभी अयोध्या आए तो वो हाथी की सवारी भी कर ले। यहाँ के बाद आपको वहीं लेके चलता हूँ। और यहाँ दिख रहा है कुछ ऐसा, देखिए हाथियां हैं, लोग आ रहे हैं बैठ रहे हैं। वो है इसका पोर्ट, चढ़ने और उतरने का। मैंने पता किया था टिकट शायद 500 का है 25 मिनट की राइड के लिए, तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, बट जिनको एलिफेंट राइड पसंद है वो ज़रूर कर सकते हैं। बच्चों के लेके आ सकते हैं, बच्चों को एलिफेंट राइड करा सकते हैं। आइए एक बार यहाँ का काउंटर भी दिखा देता हूँ, टिकट काउंटर, कहाँ से टिकट लेना है। पार्क जैसा बना रखा है यहाँ पे भी। लोगों की भीड़ है भाई यहाँ पे, मंदिर से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे भुट्टे बिक रहे हैं।
मास्क लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको मैं टिकट का दिखाता हूँ क्या है टिकट का हिसाब किताब। यहाँ ये लगा लिया मैंने मास्क। How much is the elephant ride? 100 to 400. For how many minutes? About 15 minutes. And what about the kids? For kids, 200. बाट एडल्ट के लिए है और 200 बाट बच्चों के लिए है। 15 मिनट की राइड है, तो जिसको एलिफेंट राइड पसंद है, बच्चों के साथ आना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। एलिफेंट शोज़ भी हैं, जिसके सबके अलग अलग टिकट्स हैं और फ़ोटो खिंचाने के, आपको पता ही है टूरिस्ट प्लेस है तो कमाई का जरिया है इनके। इतने सारे हाथियाँ पाल रहे हैं ये लोग, तो उनका खर्चा भी है। अगर इस हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, हाथियों को पालना इतना आसान नहीं है, तो उस हिसाब से अच्छा ही चार्ज कर रहे हैं, रिजनेबल प्राइस ही है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अलग दूसरी डेस्टिनेशन पे और कैसा है मिलता हूँ आपसे आगे।